जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी पोर्टल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे भर्ती 2022 के बारे में, जहाँ पर इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंट से 2022 के लिए बम्पर एवं सीधी भर्तियां जारी हो चुकी हैं। साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर इस भर्ती के लिए खास बात ये कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं पास हैं और आपका भी सपना है इंडियन रेलवे के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग सरकारी नौकरी से संबंधित संपूर्ण अपडेट अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलेगा। फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के लिए हु कैन अप्लाई। तो यहां पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के मेल एवं फीमेल, यानी कि पूरे भारत के महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे भर्ती 2022 के बारे में, जहां पर इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंट से 2022 के लिए सीधी भर्तियां जारी हुई हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, साथ में यहां पर आपको इस भर्ती के लिए कब से कब तक और कैसे अप्लाई करना है, साथ में यहां पर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडियन रेलवे के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में आपकी एज लिमिट क्या है, ताकि हम आपके राज्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ में एज लिमिट के हिसाब से सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के लिए ऑनेशन नेम के बारे में, तो यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे के डिपार्टमेंट से ये भर्ती होने जा रही है। जहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर फिटर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट एवं और भी विभिन्न सारे पदों पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती होने जा रही है। जहां पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहां पर लगभग 756 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन का। बात करेंगे यहां पर इस भर्ती के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस भर्ती के लिए मेल एवं फीमेल, यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे आज की टॉप 5 वैकेंसियों के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें CISF के डिपार्टमेंट से, DRDO के डिपार्टमेंट से, इंडियन आर्मी के डिपार्टमेंट से, साथ में वन विभाग के डिपार्टमेंट से एवं पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से 2022 की सीधी भर्तियां जारी हो चुकी हैं। साथ में आवेदन भी शुरू हो चुका है, जिनका अप्लाई करने का लिंक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.alljobgyan.com पर देखने के लिए मिल जाएगी। बात करेंगे यहां पर इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, बाकी की सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। और फ्रेंड्स, पर बात करते हैं इस भर्ती के लिए एज लिमिट के बारे में, यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच है तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहां पर एसएससी के लिए 5 वर्ष की
तथा ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्वालिफिकेशन साथ में मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 10वीं 12वीं साथ में ITI डिग्री पास वाले इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स पर बात करते हैं इस भर्ती के लिए पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है लगभग 7,400 रुपये पर मंथ की। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वहीं लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 मार्च 2022। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको 7 मार्च 2022 के पहले आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल